जिंदगी में रिश्ते तो मिला ही करते हैं, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जिसमें जिंदगी मिलती है, और वो रिश्ता है दोस्ती का। और यही वो दोस्त हैं जिनसे जिंदगी मिलती है। ये है फैसल अब्रो। इनका ताल्लुक कराची से है, और इनके साथ ये है सेबेस्टियन मार्शल, ये भी कराची से। मुहिब इस ग्रुप में नया है। मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर नोमान नोनी, और ये है उस्मान रजा। और यही वो सब दोस्त हैं जिनसे पिछले 10 सालों में जिंदगी मिली है, और ये हम खुद। सो वी आर गोइंग बोर्नमथ, मी एंड मून हियर, और अभी हम सलाव जाएंगे। पहले सेबेस्टियन को हमने पिक करना है, ही इज़ वेटिंग फॉर अस। नोमान और फैसल जो है वो ब्रिस्टल से चल पड़े हैं, दे आर कमिंग टू बोर्नमथ। हाय गाइस, माय नेम इज़ फैसल, माय फ्रेंड नोमान, वी आर हैविंग टुवर्ड्स बोर्नमथ एंड वी हैव आवर फ्रेंड्स आर वेटिंग देयर। वी हैव अ फिशिंग ट्रिप, सो होपफुली वी विल एंजॉय एंड यू गाइस टू एज वेल। और उधर जाके हम फिर फन करेंगे या जो भी करेंगे। Stay with us. Bye, 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 बड़े बड़े बिल्डर आए हैं। बड़े ये बाये किधर हो भाई? हाँ। सुना? पास सब ठीक हो गया? चलें। ये सेबेस्टियन को पिक करने के बाद हम लोग बोर्नमथ के लिए निकल गए। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की ड्राइव थी। ये ट्रिप भी हमेशा की तरह 2 से 3 दिन का था, लेकिन इस बार खास बात ये थी कि हमने बोट फिशिंग पूरे दिन के लिए बुक की थी। एक खास बात आपसे ये करनी है कि इस वीडियो के बाद वो बोट ट्रिप अगले व्लॉग में होगा। इसने भी बनवाई है। अच्छा, आपने ड्रामे वाली जुगत मारी है? कौन सी मारो? बिना मारी मारो। क्या ले भाई? खरीदे भाई? क्या? लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी। ओए 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 हमने मैंने बोला था 2012 की पिक्चर लगी हुई है। खाने के लिए क्या लेके आया? यार ऑर्डर कर लेंगे ना, ऊपर ईट जस्ट। तुझे ग्रुप में क्या बोला था कि क्या लेके आना है? कपूर है। हाँ, हो गया। चार रोटी मिल गई, माइक्रोवेव भी दे दिए। प्लान फाइनल करने के बाद हम सब लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस किया कि हर बंदा घर से एक एक डिश बना के लाएगा, लेकिन ये प्लान सिर्फ फैसल अब्रो ने सर अंजाम दिया। पूरा गैंग इस वक्त जो है वो साथ साथ आ रहा है। 2 कराची वाले लड़के जो है वो आपस में कराची को अलग सूबा बनाने की बात कर रहे हैं, जो कि नुमान ने कह दिया कि कराची को सियालकोट के साथ जम करेंगे। किबला अपना वीलॉग बनाते हुए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, देख सकते हैं इसकी बातों पे। चलो कर लेना, कर लो, कर लो, कर लो, कर लो, कर लो। नहीं, ब्राजील का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा? मेरे पास क्या हो गया?
मेरे पास ज्यादा होंगे। हमेशा की तरह मुझे डूबता सूरज जहां भी नजर आए उसको देखने के लिए और कैमरे की आंख में बंद करने के लिए रुक जाता हूँ, और ये मौका हमें शाम को मिल गया। नोनी क्या सीन है तेरा? बारबेक्यू हो गई है? बारबेक्यू की पड़ी है, भूखे का भूखा लगी है सुबह के निकले हैं भाई। इसमें माल है, माल का मतलब गोश्त छोटे बताना चाहिए ना जो खाना दोनों हो सकते हैं। चलो यार चलो चलो ग्यारह ले मान चलो चलो करो ओ फोटो खींच लेंगे फोटो। ओ बस ओए ये उस्मान का रابطہ हमने कोई नहीं कराया, ही इज आवर जेंटलमैन। लो सुन लो सुन लो हुक्का मैन भाई जो है वो बीच के ऊपर लेके आया हमारा हुक्का शीशा। ही साइड व्हाट? साइड प्लेयर। साइड प्लेयर अच्छा ठीक है। ही इज अ गुड लैड, इज माय फ्रेंड, कम ऑन मैन, गिव मी अ हग। थैंक यू। या शाम के इस मंजर को हम सब ने खूब इंजॉय किया और बारबेक्यू का सेटअप लगाया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि हम बीच पे बारबेक्यू नहीं कर सके। बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हम बीच पे बारबेक्यू कर रहे थे तो सिक्योरिटी वाले आ गए और पुलिस वाले आ गए। उन्होंने कहा कि बारबेक्यू यहाँ पे 10 बजे के बाद करना अलाउड नहीं है। सुबह के हम लोग भूखे थे, जो हम बारबेक्यू का सामान लेके आए थे वो सारा माल जो है वो हम उस्मान भाई के घर पे ले आए हैं और अब हम उसको ग्रिल कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा हम साथ में खा भी रहे हैं ग्रिल करके। बाकी तीनों को हमने होटल भेजा, हमने उनको बोला है कि आप लोग हमारा वेट करो, हम आ रहे हैं। अब अगर सारा ख़त्म हो गया तो शायद हम ना भी जाएं, लेट जाएं। वो हंस रहा है, उनकी भूख से जान निकली जा रही है, ये हंस रहा है। क्या करें यार। ओ रोटी आ गई है, उठ जो। हेलो हेलो रोटी ब्रोज, रोटी ब्रो, हेलो ब्रो। सो गए हैं, खाना खाए बगैर सो गए हैं, वो समझे हम सब कुछ खा गए हैं। नीचे क्यों नहीं आ रहा तू? सब लोग नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं, तू किधर है? ये गर्मी लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। गर्मी लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। लकड़ पगे जो है वो जेल में बंद है। रात के 3 बज चुके हैं, सुबह 8 बजे हमने पोर्ट पे पहुंचना है। इसका मतलब है 6:30 बजे उठना पड़ेगा। सब लोग इतना थके हुए हैं कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है उठ के लाइट बंद कर दें। सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोने की एक्टिंग करते हैं। सुबह मिलते हैं इंशाल्लाह। मैंने कहा इंसान को ना पैसिव वाइज होना चाहिए ना, पैसिव ऑप्टिमिस्टिक। पैसिव वाइज होना चाहिए, पैसिव वाइज एंड ऑप्टिमिस्टिक। ओके, वो कैसे होता बंदा? वो ऐसा होता है कि बंदा आए फुटपाथ के ऊपर बैठे, सिगरेट लगाए, हाथ में कॉपी पकड़े, और पुरानी मशूकों को याद करें। 3 दिन बचे हो गए हों, पर फिर भी बंदे को उम्मीद हो कि वो आएगी आपके पास।